रेवाड़ी में उदयपुर कन्हैया टेलर प्रकरण के विरोध में आज सुबह 6 बजे से ही पूरी तरह से व्यापारियों ने हिंदूवादी संगठनों के सहयोग से बाजार बंद करते हुए विरोध जताया। विरोध की प्रक्रिया में सेंट्रल मार्केट के सामने सुबह 9 बजे से हनुमान चालीसा के पाठ वाचन के कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद सेंट्रल मार्केट से नीलम चौक तक मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सब समाज के लोग शामिल रहे। बर्बरता पूर्वक मारे गए कन्हैया लाल को उनके चित्र पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ने याद किया और आरोपियों को सजा दिए जाने व इस तरह की घटनाओं के पुनरावृत्ति न हो इस पर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग की। बरहाल व्यापार संगठनों ने आज दोपहर 2 बजे तक स्वैच्छिक बंद रखा। आयोजकों ने सभी से शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन की जाने की भी अपील की। इस दौरान डॉक्टर रूप सिंह ने कहा कि इन घटनाओं के पीछे राज्य सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही और शह रही है। अगर करौली घटना के बाद ही अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जाती तो आज ये कन्हैया लाल की घटना सामने नहीं आती। राजस्थान में सभी घटनाओं के पीछे सरकार की लापरवाही जिम्मेदार रही है। धरना स्थल पर किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए भिवाड़ी पुलिस के डीएसपी जसवीर मीणा, थानाधिकारी कुशाल सिंह चौपान की, थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ में पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष महेंद्र मंगला व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अभय भिदुड़ी, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूरा पटेल, पूर्व विधायक मामन यादव, डॉक्टर सतीश तंवर, वीएचपी नगर अध्यक्ष सोमदर शर्मा, पूर्व सभापति संदीप दायमा, राजेंद्र शिवकुमार अग्रवाल, राकेश तायल, दीपक दायमा, मार्केट प्रधान सूबे सिंह दायमा, अध्यक्ष विनोद गुप्ता, हार्डवेयर मार्केट अध्यक्ष मनोज सोनी, प्रधान ज्वेलर्स नितिन तिवारी, प्रधान हरिकिशन, सुनील तायल, पंकज जैन, अभिषेक अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, रवि विजयवर्गीय, पोरस प्रधान रणवीर तंवर, राकेश यादव, संदीप मेघवाल, प्रवीण यादव सहित बड़ी संख्या में सब समाज के लोग मौजूद रहे। देश में हिंदू शक्ति को कुछ आतंकवादी चुनौती दे रहे हैं। उदयपुर की घटना अकेली नहीं है, करौली से लेके अलग अलग राजस्थान के 4 जिलों में घटनाएं इसलिए बढ़ती चली गई कि यहाँ की सरकार ने उनको प्रेशर दिया। अगर ऐसे हत्यारों को दिन प्रतिदिन जल्दी से जल्दी फांसी दी जाए तो कोई भी ऐसी जरूरत नहीं करेगा जो हिंदुस्तानियत को शर्मिंदा कर सके। भिवाड़ी आपने कहा कि गंगा जमुनी है, हाँ है, बस हिंदू शक्ति के कारण है। हाँ है क्योंकि यहाँ का हिंदू कभी किसी की हिंसा नहीं करता। हाँ, यहाँ का हिंदू सबको प्रेशर देता है, सबकी दुकानों को रक्षा करता है। आज का ये मौन जुलूस हमारे सभी संगठनों के अध्यक्ष, व्यापार मंडल और चेयरमैन साहब और अध्यक्ष जी की इसलिए गवाही देता है कि हम सबकी रक्षा करेंगे चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन अगर किसी ने राक्षसी ताकत दिखाई तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? जैसा आगे से नेतृत्व तो तय करेगा। ये सर्व हिंदू समाज की शक्ति है और ये अकेला भिवाड़ी नहीं कर रहा है। ऊपर से संगठन के जैसे निर्देश मिलेंगे हम वैसा ही प्रदर्शन करके हिंदू शक्ति का बीच बीच में प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसका जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद। और जो बंद रखा गया है इसके लिए जो आपको ज्ञापन सौंपा गया, आगे के लिए क्या तैयारी रही, क्या एजेंडा रहेगा, क्या आपको इस तरफ से आगे की तरफ प्रेषित किया जाएगा? इन जनभावनाओं को राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध है। नियमानुसार कार्रवाई। थैंक यू। कि पूरी भिवाड़ी हिंदू समाज सब एक है और कन्हैया भाई नहीं, हमारे किसी भी हिंदू भाई पे कोई भी अत्याचार होगा तो सभी हिंदू भाई एक है हम। और अभी सब लोग संगठन के सारे सभी लोग खड़े हैं, ये सभी अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देंगे। और यही नहीं, भिवाड़ी में जो ये चल रहा है, अभी आपने देखा होगा परसों कितनी राजस्थान की, मुझे तो लगता है कि पहली ऐसी एक डकैती हुई है भिवाड़ी में कि सबसे बड़ी। यहाँ की पुलिस बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। यहाँ के विधायक के और जो उनके चमचे हैं उनका यही काम रह गया है कि किस थाने में किस एसएचओ को लगवाना है और वो कितनी ज्यादा मंत्री देता है। ये पहली बार ऐसा भिवाड़ी में हो रहा है पूरे विधानसभा में।